तो थंबनेल देख के क्या समझ आ रहा है कि एक प्रिंसेस की फोटो है, मेरी फोटो भी एक मतलब बच्चों वाले फिल्टर में है, प्रिंसेस लिखा है, तो प्रिंसेस क्यों लिखा है, प्रिंसेस की फोटो क्यों है, मेरी फोटो बच्चे वाले फिल्टर में क्यों है, कुछ समझ आ रहा है क्या तालमेल है? तो मैं बताती हूँ आगे जाके देखने, छोटा सा यहाँ पे बता देती हूँ इंट्रो। मेरी फोटो बच्चे वाले फिल्टर में इसलिए क्योंकि इसमें हम ट्राई करने वाले हैं बच्चों के मेकअप प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब किड्स के मेकअप प्रोडक्ट। और प्रिंसेस इसलिए क्योंकि हम यूज़ करेंगे प्रिंसेस बाय रेनिक के प्रोडक्ट। ओके, तो देखो पूरी वीडियो को अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली ये होने वाला है, मैं ट्राई करने वाली हूँ किड्स के मेकअप प्रोडक्ट। मैं बहुत टाइम से एक ऐसी ब्रांड ढूंढ रही थी जो कि किड्स के अच्छे प्रोडक्ट बनाती हो मेकअप के लिए। जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, वो सब घर वाले बात कर रहे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो हम दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं बहुत टाइम से एक ऐसी कंपनी ढूंढ रही थी जो किड्स के प्रोडक्ट बनाती हो, क्योंकि वो काफ़ी क्यूट से होते हैं और माइल्ड होते हैं, तो यूज़ करना ठीक रहता है। वैसे भी मतलब मेरे मेकअप में खाली लिपस्टिक या लिप ग्लॉस, लिप बाम यही होता है, ये आई शेडो, नेल पॉलिश, नेल आर्ट ये नहीं होता, मतलब नेल पेंट कभी कभार लगा ली, वरना खाली लिपस्टिक, लिप ग्लॉस या लिप बाम यही होता है। तो मैंने मंगाया भी यही है, और हाँ एक सनस्क्रीन भी है, एक और लिप बाम था बट वो मेरी बहन ने रख लिया, उसने मुझे दिया नहीं, बट मैं उसका लिंक और उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी कि वो कैसा था, वो आइसक्रीम वाला था। तो ये है प्रिंसेस बाय रेने, ये मैंने वहाँ से मंगाया है सब कुछ। रेने ने एक अपना एक अलग सेक्शन, प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर करना है, सब बच्चे खेल रहे चिल्ला रहे हैं। तो रेने ने अभी लॉन्च किया अपना नया सेक्शन प्रिंसेस बाय रेने। इसमें क्या क्या है जो मैंने मंगाया है तो बहुत कुछ, पर जो मैंने मंगाया है, एक है ये लिप ग्लॉस, ये वही लिप ग्लॉस है जो भी मैंने लगा रखा है। ये किड्स के हिसाब से थोड़ा चटक कलर है इसका, बहुत ब्राइट है। तो ये है ऐसा प्रिंसेस बाय रेने दिख रहा है, इसकी ऐसी पैकेजिंग है और ये ऐसा दिखता है, मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये मैंने नायका से मंगाया था, तो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखेगा, दिख रहा है क्या? तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये ऐसा दिखेगा खुल के, ये इसका एप्लीकेटर है, ये ऐसी ही बॉटल है, आई में आएगा कांच की बॉटल, और इसकी स्मेल काफ़ी फ्रूटी है बहुत ज़्यादा, बट लगने के बाद काफ़ी माइल्ड है। बस ये थोड़ा कलर इसका डार्क है लिपस्टिक जैसा, पर है पर ग्लॉसी। तो इसकी बात करते हैं कैसा है, बहुत ही लाइट वेट है, मैंने लगा रखा कुछ फील नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लिप बाम ही है, बस कलर डार्क है, लाइट वेट है, स्मूथ है और चिपचिप भी नहीं लग रहा, जैसे कुछ कुछ नहीं लग रहा, बहुत आराम से है। नेक्स्ट ये तो मेरी ही लिपस्टिक है, ये भी रहने की है, इसको जब मैं कॉलेज जाती हूँ सुबह लगाती हूँ, जब मैं बाद में आती हूँ 8-9 घंटे बाद, एज इट इज़ रहती है, खा लो पी लो सब ऐसी रहती है। तो ये भी रहने की है, बहुत छोटी सी है ये भी, मेरी लिपस्टिक, बट हाँ ये किड सेक्शन का नहीं है, ये मैंने इसे उठा लिया था क्योंकि ये भी रहने का ही था। और हाँ एक है ये सनस्क्रीन, ये भी रहने की है, रेने सनस्क्रीन SPF 30, नो पैराबिन एंड रिच विद वाइटमिन ई एंड एवोकाडो ऑयल, और ये बहुत अच्छी है, ये भी प्रिंसेस रेने की है, सॉरी प्रिंसेस बाय रेने, तो ये भी उसी का है। और इसको मैंने लगाया था, कोई ग्रीसी नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं, लगाने के बाद बिल्कुल लाइट फील होता है, लगता ही नहीं है कि मतलब कोई हमने क्रीम भी लगा रखी है, सनस्क्रीन लगा रखी है। जैसे ज़्यादा सनस्क्रीन होती है ना कि वाइट कास्ट दे दिया या हैवी फील हो रहा है, ऑयली ऑयली लग रहा है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। अरे हाँ मैंने लिप ग्लॉस का नहीं बताया कि इसमें क्या क्या है, पहली बात तो नहीं ये वीगन है, ये सी बहुत अच्छी बात है कि ये वीगन है ये वाला प्रोडक्ट इसका, और कोई पैराबिन नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आप ये सारे पढ़ोगे ना, जब इसको आप ऑर्डर करोगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बहुत अच्छा है ये, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो पैराबिन्स है, वीगन है, वीगन सबसे अच्छी बात है कि वीगन है, और किड्स के लिए अच्छा है ना, किड्स का क्या है, वो अपनी मम्मी का ही सामान लगा लेते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है कि अलग से उनके लिए भी लॉन्च हो गया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट हैं किड्स के तो ऑफकोर्स माइल्ड भी होंगे, ज़्यादा केमिकल हाई उस पर तो हाई रेंज पे यूज़ नहीं किए गए होंगे, ऑफकोर्स थोड़े बहुत तो होंगे बट इतने नहीं होंगे,
मैं वाला लिप बाम भी दिखाती हूँ आइसक्रीम की शेप का है, बट वो मेरी बहन ने रख लिया, वो मुझे नहीं दे रही वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं उसको भी लेती। वो बहुत क्यूट है, पता है जैसे ये तो थोड़ा डार्क कलर है जो मैंने लगाया अभी वाला रेड वाला, ये वाला समझ गए ना, बट जो वो वाला है जो मेरी बहन के पास वाला है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, मतलब किड्स के टाइप का ही है, थोड़ा बड़ा है, है पर किड्स सेक्शन का थोड़ा बड़ा, मतलब बड़ों के हिसाब से है क्योंकि डार्क कलर है, बट वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से है क्योंकि क्या है ना उसका कलर बहुत सही है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा हल्का के उसमें पिंक स्पार्कल्स है, बट वो बेस्ट है किड्स के लिए। अच्छा तो ये भी, बट हाँ इसको बड़े भी लगा सकते हैं क्योंकि किड्स के है तो ऑब्वियसली अच्छा है, और काफ़ी स्मूथ है, मॉइस्चराइजिंग रख रहा है, मुझे एक दो घंटे हो गए इसको लगाए, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है इसको लगा के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक लिए बाय, टेक केयर। तो ये है वो आइसक्रीम वाला लिप बाम जो मैं बता रही थी, मुझे जूही ने नहीं दिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंट है, ग्लॉसी है और अच्छा है। ये है वो वाला।